नाला ओवरफ्लो की समस्या को क्षेत्रीय पार्षद ने किया दरकिनार। पार्षद महोदया का जनता को झूठा आश्वासन देना बरकरार। कानपुर की वार्ड 96 जांच में उत्तरी मनोहर नगर मुख्य चौराहे पर नाला ओवरफ्लो की समस्या से क्षेत्रीय जनता जूझ रही है। नाला ओवरफ्लो होने की वजह से सड़कों पर गंदा व बदबूदार पानी सड़कों में बह रहा है। क्षेत्रीय जनता का कहना कि पार्षद जरीना खातून सिर्फ अपने करीबी के आस पड़ोस का काम करवाती हैं, हम लोगों से सौतेला व्यवहार करती हैं। वहीं जब इस समस्या के विषय में मोहम्मद कामरान पूर्व पार्षद प्रत्याशी से बात की गई, तो उन्होंने मौजूदा पार्षद की कार्यशैली पर चुटकी लेते हुए कहा, यह नाला बहना शुरू हुआ था ईद में, समस्या के समाधान के लिए कहा गया था बकरीद में, बकरीद से मुहर्रम आ गया, मुहर्रम से 75वां स्वतंत्रता दिवस आ गया। इस लापरवाही की जिम्मेदारी सिर्फ पार्षद जरीना खातून और विधायक प्रतिनिधियों की है। वहीं जब पूर्व पार्षद प्रत्याशी से उन पर दर्ज मुकदमे के विषय में सवाल किया गया, तो उनका कहना था कि उन पर जितने मुकदमे हुए वह सभी राजनीतिक रंजिश के चलते फर्जी तौर पर लिखे गए। बाकी आप स्वयं सुने क्या कहा पूर्व पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद कामरान ने। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है, मैं पूर्व प्रत्याशी जगमोत्री वार्ड 96। ये जो नाला बह रहा है आपके क्षेत्र में, कब से बह रहा है और मतलब इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये नाला हमारा जाजमो उत्तरी वार्ड 96 के मनोहर नगर के मेन चौराहे पे सुल्तान भाई चाय वाले के घर के ठीक सामने बह रहा है। ये नाला बहना शुरू हुआ था ईद में, समस्या का समाधान कहा गया था कि बकरीद में, बकरीद से मुहर्रम आ गया, मुहर्रम से 75वां स्वतंत्रता दिवस आ गया। और जिस तरह की लापरवाही क्षेत्रीय पार्षद की है, माननीय विधायक जी के प्रतिनिधियों की है, उससे ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। किसी भी नेता की जनप्रतिनिधि की जवाबदेही तय नहीं है। जाजमो उत्तरी वार्ड 96 के मनोहर नगर के 4000 लोग महामारी से अपना जीवन बिता रहे हैं और डायरिया जैसी बड़ी बीमारी जाजमो क्षेत्र के कोने कोने में फैली हुई, उसके बावजूद इस तरह की समस्या का होना शर्मिंदगी का एहसास कराता है। आपने अपने क्षेत्रीय पार्षद से इसके बारे में शिकायत की? क्षेत्रीय पार्षद लगभग पिछले 8.5 सालों से गायब है। हो सकता है अपने किसी अजीज और करीबियों के पास वो आती होंगे, लेकिन जन समस्याओं के लिए उनके पास जरा सभी वक्त जाजमो उत्तरी वार्ड 96 के 24,000 लोगों के लिए नहीं है। तो इसके लिए अभी आप पे एक आरोप लग रहा था कि आपके ऊपर मुकदमे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये आरोप सरासर दरअसल गलत था। हाँ, राजनीतिक मुकदमे जरूर लिखे गए थे मेरे परिवार के ऊपर, वो भी राजनीतिक रंजिशों के द्वारा। और पिछले चुनाव मैंने लगभग 5 साल पहले लड़ा था, उससे पहले मेरी माँ ने 5 साल पहले चुनाव लड़ा था पार्षदी का। उस पार्षदी के चुनाव में क्षेत्रीय नेताओं से कुछ रंजिशें हुई, उन लोगों ने फर्जी मुकदमे लिखवाए। उस फर्जी मुकदमों के ज़्यादातर मामलों में न्यायालय द्वारा बाइज्जत बरी कर दिए गए, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन करके राजनीति करने आया हूँ, तो इसलिए सम्मान से जीता हूँ और लोगों से भी चाहता हूँ कि वो भी सम्मान से जिए और जीने दें, क्योंकि जो मुकदमे हैं वो राजनीतिक हैं। आम जनता ने मुझे मेरा बूथ जिताया है, पिछले चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ने पर भी एक भारी मात्रा में वोट दिया है और आने वाले चुनाव में भी जनता का भारी समर्थन हासिल हो रहा है, जिससे मेरे देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।